हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे कर्क लग्न कर्क राशि वालों के लिए जून 2022 का माह कैसा जाएगा। आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे भूमि भुवन वाहन की। इस माह कोई सरकार की तरफ से आपको अवसर मिल रहा है क्या? सरकारी क्षेत्र में कुछ प्रगति हो रही है? दाम्पत्य जीवन में कैसी स्थितियां बन रही हैं और धनात्मक दृष्टिकोण से कितना आप विकास करेंगे? तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले विनम्र अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों को जानकारी के लिए शेयर करिएगा। राधे राधे। तो कर्क लग्न कर्क राशि, देखिए आपके लग्न के स्वामी हर सवा दो दिन में घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके लग्न पे कोई पापा प्रभाव नहीं है, इसलिए आपका स्वास्थ्य बेहतर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। कुटुंब का स्वामी, आपके परिवार का स्वामी, आपके धन का स्वामी जो सूर्यदेव है वो इस समय गोचर कर रहे हैं एकादश भाव में। तो सूर्यदेव का एकादश भाव में गोचर करना आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला है। आप 15 जून तक ये वृषभ में है, 15 जून के बाद मिथुन में जाएंगे, तो 15 जून तक तो आपके लिए धनात्मक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, बेहतरीन समय है। धन का स्वामी लाभ के घर में, अब लाभ के घर में धन का स्वामी है तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा जी, कुटुंब में विकास होगा, धनात्मक दृष्टिकोण से आप प्रगत कर रहे हैं, परिवार प्रगत कर रहा है, तो धन के दृष्टिकोण से सूर्यदेव की गोचरी स्थिति है वो बेहतर जा रही है। कब तक? 15 जून तक। 15 जून के बाद फिर क्या होगा? 15 जून के बाद आपके खर्च की मात्रा बढ़ जाएगी, आप बाहर घूमने जाएंगे और लोगों के ऊपर पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि द्वादश भाव में आपके द्वितीय चल रहे हैं, तो द्वादश भाव में द्वितीय भाव का स्वामी जब भी चलता है इस तरह की स्थितियां क्रिएट होती है। आपके कुंडली में जो बुध महाराज हैं वो पराक्रमेश हैं और व्यस हैं, वो इस समय वक्री हैं, तो वक्री कहाँ पे हैं? वक्री हैं आपके लाभ के भाव में, तो आपके जो आय के स्रोत हैं ना वो थोड़े से टेढ़े हो रहे हैं, थोड़ा सा विलम्ब, वक्री का मतलब स्लो हो जाना, धीरे धीरे चलना। अब यहाँ पे बुध आय के मार्गों को थोड़ा स्लो करता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो बुध की वजह से या पराक्रम को सही ढंग से निष्पादित ना कर पाने के कारण आपके आय के क्षेत्र में थोड़ी सी रुकावट होती हुई दिखाई दे रही है। तो 2 जुलाई तक ऐसी स्थितियाँ बनेंगी, तो जून के जो माह हैं पैसे के स्रोत तो दिखाई देंगे, चांसेस तो बनेंगे, लेकिन उसको आप अपने अनुरूप ढाल पाते हैं ये आपके विवेक पर निर्णय करेगा या विवेक पर होगा। बात करें आपकी कुंडली में सुख की क्या स्थिति है, तो देखिए आपकी कुंडली में जो शुक्र महाराज हैं वो सुख के स्वामी हैं और आपकी कुंडली में वो लाभ के स्वामी हैं, तो ऐसे शुक्र महाराज का जो गोचर हो रहा है अभी तक, अब जून में गोचर हो रहा है उनका मेष में, 18 जून तक मेष में चलेंगे, तो मेष में मतलब आपके कर्म भाव में चलेंगे सुख के स्वामी, लाभ के स्वामी कर्म भाव में, तो कर्म से लाभ होगा, कर्म से सुख की प्राप्ति होगी। दशम भाव में बैठे हुए ग्रह की दृष्टि लग्न पर हो या ना हो उसका प्रभाव लग्न पर होता है, अतः शुक्र का प्रभाव आपके लग्न पर रहेगा तो व्यक्तित्व आपका थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा, थोड़ा सा लोग आपको पसंद करेंगे। सप्तम दृष्टि अपने ही घर पर होने से निश्चित रूप से भूमि भवन वाहन या गृह संबंधी सुख यह शुक्र आपको प्रदान करके जाएगा, था शुक्र की आराधना उपासना आय के मार्ग को जहाँ खोलने वाली होगी वहीं घर के लोगों से वचनों के द्वारा आप काफी संतुष्ट या सुखी होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी कुंडली में एक और महत्वपूर्ण ग्रह है जिनका नाम है मंगल, पृथ्वी पुत्र मंगल, सेनापति मंगल। आप पृथ्वी पुत्र मंगल सेनापति मंगल की जो स्थिति है वो 27 जून तक मीन में है। पंचम का स्वामी अपने से पंचम, दशम का स्वामी त्रिकोण में अपने से द्वादश, लेकिन त्रिकोण में केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में एक तरह का राजयोग बनता है। सेनापति मंगल किसके घर में गए हैं? गुरु के घर में। गुरु के घर में जाना किसको अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है, तो अपने गुरु के घर में गए हैं। और गुरु किस राशि में गए हैं? वो जो धनु है वो बहुत डिसिप्लिन वाली राशि है, मीन राशि थोड़ी हंसी मजाक, थोड़ी ज्ञानात्मक बातें, थोड़ा घूमना टहलना, तो इस राशि में गए हैं, तो यहाँ पे मंगल बहुत प्रसन्न रहेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, अतः संतान का विकास होगा,
बुद्धि का विकास होगा, प्रेम आपको प्राप्त होगा। कर्म का स्वामी चूंकि गुरु के शरण में है, अतः कर्म में प्रवीणता लेकर आप यहाँ पे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये 27 जून के पश्चात मेष में गोचर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मंगल राहु युति, मंगल राहु युति, ये थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। मंगल राहु पे स्पेशल वीडियो बना के आपसे चर्चा करेंगे। तो पंचम की स्थिति अच्छी है, प्रेम मिलेगा, संतान सुख मिलेगा, एजुकेशन में अगर कहीं आपको जाना है तो वहाँ पे भी आपको सफलता मिल रही, एडमिशन मिल रहा है। पिता का थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे राहु गोचर कर रहे हैं और पिता का स्वामी मंगल अपने से द्वादश चल रहा है, तो पिता का विशेष केयर करने की इस समय आवश्यकता है। गुरु महाराज आपकी कुंडली में यथावत चल रहे हैं, तो गुरु आपके भाग्य वृद्धि के लिए कृत संकल्प है, बस गुरु चरणों की सेवा करिए, गुरु को प्रणाम करते रहिए। चरणों की सेवा का तत्पर प्रणाम करते रहिए। देखिए, चरण और आचरण दो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपके आचरण सही है तो परमात्मा के चरणों तक पहुंचने में आपको विलंब नहीं है, पहुंच जाएंगे। शनि महाराज की जो स्थिति है ठीक ठाक है, लेकिन शनि महाराज थोड़े से हो रहे हैं वक्री, तो जून माह में ही हो जाएंगे वक्री, लेकिन आपके लिए बहुत नकारात्मक असर नहीं देंगे क्योंकि ये अष्टम भाव में ही वक्री हो रहे हैं। तो अष्टम के जो खास चीजें हैं उनको आपको समझाएंगे कि बेटा ऐसे ऐसे देखो, इस तरह से करना चाहिए। पत्नी को भी बताएंगे कि धन का ऐसे करना चाहिए। ससुराल से संबंध भी बेहतर बनाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो कर्क लग्न कर्क राशि वालों के लिए जो ग्रही स्थिति है जून माह की, बेहतर जाती हुई प्रतीत हो रही है। मंगल की थोड़ी सी आराधना, मंगल की उपासना, हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की उपासना, गुरु के शरण में कहीं ऐसा मंदिर भगवान राम का जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति प्रबल हो और लेकिन राम जी के शरण में हो, वहाँ पे जाके प्रणाम करके आइए। जून का माह बेहतरीन जाएगा। एक पीला कलर का ध्वजा जिसमें भगवान राम की मूर्ति हो और हनुमान जी की मूर्ति हो टांग के आइए ना, बेहतर होगा। चलिए, आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे।